बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अड्डा की तरफ से सुहेल बासित आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 8 दे रहा हूँ। ये पेपर 3 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर नंबर 9 है ऑप्टिमाइजेशन ए स्पेशल वैरायटी ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। असाइनमेंट नंबर 8 एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 सेशन 2019-21, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स, पेपर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, टोटल मार्क्स हैं 25, लास्ट डेट है 30/7/2020। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ए मोनोपोलिस्ट फेसेस ए लीनियर डिमांड फंक्शन एज पी इक्वल टू 30 - y² इस टोटल कॉस्ट इज सी ऑफ क्यू इक्वल टू q² + 2q + y². If a tax T per unit of output sold is imposed by the government on monopolist, comma, then find maximum tax revenue, second maximum profit, third price। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर प्राइस दी गई है और कॉस्ट का फंक्शन दिया गया है और टी जो है वो टैक्स इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने टैक्स की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू फाइंड करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और प्राइस, ये तीन चीज़ें आपने मालूम करनी है। जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हैं। नॉर्मली इसके दो मेथड हैं, दोनों में से जो अडॉप्ट करना चाहें कर सकते हैं। नोट है इंसर्ट योर रोल नंबर इन द व्हाइट बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्रॉप द सॉल्व पेजेस, सेंड द पेजेस अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डार्क पेजेस नॉट एक्सेप्टेड, इफ यू मेक ए सिंगल मिस्टेक यू विल गेट 0 marks, सेपरेट सेंड यूअर्स असाइनमेंट यूजिंग व्हाट्सएप नंबर एंड नॉट इन द ग्रुप ऑफ इकोनॉमेटिक्स एंड एडवांसमेंट। आपने व्हाइट बॉक्स की जगह अपना रोल नंबर लिखना है। ये एक ही क्वेश्चन है और जो पेपर पेजेस आप सॉल्व कर चुके हैं, जो पेपर आपके पास हों सॉल्व, उनको क्रॉप करके भेजा करें। कितनी दफ़ा मैं कह भी चुका हूँ, साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही होती हैं। और तरतीब से भेजा करें। अभी लास्ट असाइनमेंट में भी सम स्टूडेंट ने तरतीब से नहीं भेजे थे, उसको फिर चेक करने में मुश्किल पेश आती है। कभी पेज नंबर 2 हो रहा है, उसको फिर बैक करके फिर ढूंढते हैं पेज नंबर 1, वो उसको जूम करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है। अगला पेज पता चलता है वो तो पेज नंबर 5 है, फिर पेज नंबर 2 ढूंढना पड़ता है। और सम स्टूडेंट जो हैं डार्क पेजेस भेज रहे हैं अभी तक, किसी से पूछ लें, मैंने तो बता चुका हूँ क्या तरीका है। आप खुद ना सीखना चाहें तो मेरा इसमें क्या कसूर है। इस दफ़ा कोई डार्क पेजेस आए या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ना आए या खराब ना हुए तो उसी वक्त 0 marks हो जाए, ये बात याद रखें। साफ पेजेस ना हुए, क्रॉप ना हुए, तरतीब से ना भेजे या डार्क भेज दिए तो
उस पेपर को चेक नहीं किया जाएगा, उस असाइनमेंट को चेक नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखें। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिन भी बहुत सारे होते हैं आपके पास, गाइड भी करते रहता हूँ अपने क्लास फेलो से, गाइडेंस बंदा ले लेता है, कोई चीज़ पूछनी हो पूछ सकता है बंदा, सेपरेट पूछ सकता है, ग्रुप में पूछ सकता है, अगर बाद में किसी के असाइनमेंट आपको भेज भी दूंगा, कैसे वाइट पेजेस होते हैं, कैसे क्रॉप भी होते हैं, पीडीएफ में भेजें, नॉर्मल भेजें, आपकी मर्जी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।